पिछले 10 महीनों से ना जाने क्या क्या सड़कों पे झेला है किसानों ने, उनसे बात नहीं कर रही है। तो इनको बेशरम सरकार नहीं बोलिएगा तो और कौन सा सरकार इसको बोलिएगा। जय जवान जय किसान का नारा हमारे कांग्रेस जनों ने दिया था, आज वो नारा कहीं दिखती नहीं है। जवान का ले लीजिए तो जवान ऐसे ही बेरोजगार होते जा रहे हैं, और किसान का ले लीजिए तो किसान अपने हक के लड़ाई के लिए रोड पे बैठे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ये अपने तानाशाही रवैयों से देश को चलाना चाहती हैं और अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है। किसान का इरादा इतना ठोस है कि अभी तक वो सड़क जाम करके बैठे हुए हैं। जो सरकार है इसको पूर्ण रूप से, इसको दम ईंट से ईंट का जवाब देने का काम करेगी। और हमारी मांगे और किसान भाइयों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है, अगर उनके 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। गोरे को नहीं छोड़े तो इन चोरों को कौन नहीं छोड़े, कैसे हराने देंगे इसको। तो हम लोग, ये धोखे की सरकार है, ये धूर्तों की सरकार है, ये चालबाजों की सरकार है। के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं आज सड़कों पर है, RJD हो, CPI हो या फिर जाप हो, उसके अलावा कांग्रेस ने भी आज जो है भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। देख सकते हैं हाथों में जो है कांग्रेस का झंडा और उसको और लगातार किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मुकुल यादव जी हैं हमारे साथ, युवा कांग्रेस के नेता हैं। मुकुल यादव जी, लगातार किसान और सरकार के बीच में जो है तालमेल नहीं बैठ पा रही है, 1 साल से किसान सड़कों पर है, कब लगता है क्या सरकार और किसान के बीच में तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रही है और इसका अंजाम क्या होगा? तालमेल ये सरकार करनी नहीं चाहती है। जिस तरह से पिछले 10 महीनों से किसान सड़कों पे बैठी हुई है, लगभग 500 से ज़्यादा किसान की मौत हो चुकी है, और ये बेशरम सरकार, इनको शर्म नहीं आती है कि किसानों से हल निकाला जाए बातचीत करके। ये हल निकालने के अलावा, ये बावजूद ये फ़ोटो खिंचा रहे हैं एरोप्लेन में, सेंट्रल विस्टा में फ़ोटो जाके खिंचा रहे हैं। पिछले 10 महीनों से ना जाने क्या क्या सड़कों पे झेला है किसानों ने, उनसे बात नहीं कर रही है। तो इनको बेशरम सरकार नहीं बोलिएगा तो और कौन सा सरकार इसको बोलिएगा। आप बताइए कि जो ये कानून आने वाली है, ये काले कानून किसान पहले दिन से ही विरोध कर रही है, इसमें आप लोग तालमेल बैठाने में असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि सरकार के पास नीयत नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि हम इस पे बात करें। सरकार किसी न किसी तरह ये चाहती है कि अडानी अंबानी को किसी तरह फ़ायदा हम पहुंचाए। इनका मूल उद्देश्य भारत की जनता को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, इनका मूल एक उद्देश्य है कि हम अपने मित्रों को फ़ायदा कैसे, उद्देश्य से ये सरकार चल रही है। इस बात से हम 100% हम इत्तेफाक रखते हैं। आप इतिहास देखिए, जय जवान जय किसान का नारा हमारे कांग्रेस जनों ने दिया था, आज वो नारा कहीं दिखती नहीं है। जवान का ले लीजिए तो जवान ऐसे ही बेरोजगार होते जा रहे हैं, और किसान का ले लीजिए तो किसान अपने हक के लड़ाई के लिए रोड पे बैठे हुए हैं। तो आप इसमें क्या बोलते हैं? आप जो सरकार जय जवान जय किसान का नारा लगाएगी, और ये जो बोल के आई थी कि हम बेरोजगारी कम करेंगे, किसान को आय दुगना करेंगे, आज वो कहीं से इनकी नीयत में दिख नहीं रही है। ये कहीं ना कहीं जन विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ये अपने तानाशाही रवैयों से देश को चलाना चाहती है और अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है। देखिए, जिस तरह से किसान का इरादा इतना ठोस है कि अभी तक वो सड़क जाम करके बैठे हुए हैं, जो किसान अंग्रेजों को खदेड़ने में क्या काम किया था, 100 साल लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, तो ये क्या चीज है? तो हम ये कह देना चाहते हैं कि किसान, किसान के साथ साथ हर दल का नेता और उसके साथ साथ भारत की हर एक जनता है, इसके जो सरकार है इसको पूर्ण रूप से, इसको दम ईंट से ईंट का जवाब देने का काम करेगी। और हमारी मांगे और किसान भाइयों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है, अगर उनके 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और आगे भी हम लोग दिल्ली का नारा लगाने वाले हैं, लुखार फेंकेंगे जब हम लोग
गोरे को नहीं छोड़े तो इन चोरों को कौन नहीं छोड़े, कैसे हराने देंगे इसको। तो हम लोग धोखे की सरकार है, ये धूर्तों की सरकार है, ये चालबाजों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये आम जनजीवन जनताओं की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार नहीं है। ये इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और पूरा एक एक जनता, पूरा एक एक भारतवासी इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसको अर्श से फर्श पे ला के गिराने का काम करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही कह चुका है, खेती के खून तीन काले कानून को वापस लो तभी कुछ बात बन पाएगी, और उसी को संकल्पित रूप में लेकर आज हम पटना के डगमगला चौराहे में उतरे। सरकार चाहती क्या? आज 500 से अधिक किसान विगत 10 महीने में मौत के घाट उतारे गए, और इनके नेता क्या कहते हैं? गुंडे मवाली, और कहते हैं खालिस्तानी है। खालिस्तानी कब हो जाते हैं भाई? जब इनका अनाज खाते हो तब ये खालिस्तानी नहीं होते हैं, तब ये हिंदुस्तानी होते हैं, और जब अनाज खा लेते हो तब ये पाकिस्तानी हो जाते हैं। देखिए देश को बांटना बंद कीजिए और किसानों का जो लाया है वो वापस लेने का काम कीजिए।